मूवी की शुरुआत में हम कई कंस्ट्रक्शन वर्कर को देखते हैं जो एक अंडरग्राउंड सबवे टनल बना रहे थे। तभी उन्हें एक मिस्टीरियस होल नजर आता है जिससे एक अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। सभी वर्कर्स उसके अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। वहां अंदर इतने बड़े गार्बेज के ढेर को देखकर वे हैरान हो जाते हैं। हालांकि उनकी नजर वहां पे छुपे जायंट स्पाइडर्स पर नहीं जाती। वर्कर्स और भी अंदर जाने लगते हैं। वहां पर उन्हें एक जायंट एक नजर आता है। तभी वहां पर उस कंपनी का सीईओ आ जाता है। उसे वो एक काफी एक्सपेंसिव लगता है इसलिए वो उसे अपने साथ रख लेता है। वही एक वर्कर डॉन जो अपने ग्रुप से अलग हो गया था वो उन्हें चिल्लाकर बुलाने लगता है। तभी उसकी टॉर्च भी वर्क करना बंद कर देती है। डॉन उसे बार बार ठोक कर चलाने की कोशिश करता है यह जाने बिना कि उसके पीछे एक जायंट मॉन्स्टर सो रहा है। डॉन उसकी आवाज सुनकर पीछे देखता है। वो उसे देखकर चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता है। उसका ग्रुप उसकी आवाज सुनकर उसके पास पहुंचते। डॉन उन्हें उस मॉन्स्टर के बारे में बताने लगता है। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। वही एक टेंडिकल उनमें से एक वर्कर को पकड़ कर खींच लेता है। उसे देखकर सभी वहां से भागने लगते हैं। वही कईयों को वो टेंटिकल पकड़ लेते हैं। आखिर में वो मॉन्स्टर सभी के सामने आता है और डॉन के दोस्त को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। तभी वहां पर का गार्बेज का ढेर नीचे गिरने लगता है जिससे कि डॉन को अपने दोस्त को छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। आखिर में वे वहां से बाहर निकल आते हैं पर वो होल गार्बेज की वजह से पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। वही बाहर हम जेक को देखते हैं। वही उसके पापा जिंग रास्ते पर लगी कीले निकाल रहे थे जिससे कि उनकी कार बाल बाल बची होती है। तभी उन्हें सभी बर्ड वहां से उड़ते हुए नजर आते हैं। वही एक ट्रक उनके ओर बढ़ने लगता है। जिंग जेक को वहां से साइड में ले जाकर उस ट्रक को रुकने के लिए चिल्लाता है पर वो ट्रक एक कंस्ट्रक्शन वर्कर चला रहा था जो अपने आप को मॉन्स्टर से बचाकर वहां से भाग रहा था। वो ट्रक उन किलों के ऊपर से चला जाता है जिससे कि उसमें रखे कई बॉक्सेस गिर जाते हैं पर वो ट्रक बिना रुके ही वहां से चला जाता है। जिंग उन बॉक्सेस को खोलकर देखता है तो उसे वही जायंट एग मिलता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है ये सोचते हुए कि वो काफी एक्सपेंसिव होगा। हालांकि जेक को उसके अंदर से काफी अजीब आवाज सुनाई देती है पर जिंग उसे इग्नोर करता है। वे अपने घर पहुंचते वहां उन्हें एक महंगी कार नजर आती है। उसे देखकर जिंग अपनी वेडिंग रिंग निकाल लेता है। फिर वो जेक को लेकर घर के अंदर चला जाता है। वहां पर जिंग की एक्स वाइफ लीना आई हुई होती है। वो जिंग पर गुस्सा होती है क्योंकि वो उससे बिना पूछे ही जेक को बाहर घुमाने ले गया था। तभी लीना का नया फियोंसे वहां पर आता है और जिंग को बताता है कि वे जेक की पढ़ाई के लिए उसे यहाँ से दूर ले जा रहे हैं। वो जिंग को बताता है कि वे जेक को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे ताकि उसे जिंग की तरह कूड़ा ना जमा करना पड़े। यह सुनकर जिंग गुस्से में उसे मारने लगता है। वे आपस में लड़ने लगते है। आखिर में लीना जेक को लेकर वहां से चली जाती है। उसी रात जिंग अपने पापा के साथ डिनर पर बैठता है। वही उनका डॉग बाहर भौंकने लगता है और वो उस कार के चक्कर काटता है। जिंग के डैड को लगता है कि वहां पर कोई चोर घुस आया है इसलिए वे उसे देखने बाहर चले जाते हैं। वे उस कार को देखते जो अपने आप हिल रही थी। वे उस कार के नजदीक जाते तभी उन्हें एक टेंटिकल कार के अंदर दिखाई देता है। वो घबराहट में जिंग के पास जाकर उसे कार के बारे में बताता है पर जब वे बाहर आकर देखते तो वहां पर कार ही नहीं होती। उसे कई टेंटिकल्स के जरिए मॉन्स्टर ने ऊपर उठा लिया था और वे टेंटिकल्स उन पर हमला कर देते जिससे बचते हुए वे घर के अंदर छुप जाते हैं। तभी उनको एक कार की आवाज सुनाई देती जो लीना की ही होती है। उसमें से जेक बाहर निकलकर जिंग की ओर आने लगता है। जिंग उसे रुकने के लिए चिल्लाता है पर तभी एक टेंटिकल्स उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। लीना उसे बाहर खींचती है पर कुछ फायदा नहीं होता। वही जिंग एक नाइफ के जरिए उस टेंटिकल को काट कर जेक को छुड़ा लेता है। वे उस कार पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देते है। हालांकि जिंग यह नहीं करना चाहता था क्योंकि वो कार उसकी कमाई का एकमात्र जरिया थी। आखिर में वो मॉन्स्टर जलकर मारा जाता है। उसके बाद जिंग और लीना अंदर बैठे हुए होते। वही जिंग सोचता है कि कैसे वो मॉन्स्टर वहां तक पहुंचा तो जेक उसे बताता है कि शायद वो उस एक के अंदर से आया होगा। तभी लीना का फियोंसे वहां पर कई बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंचता है। जब वो देखता है कि किसी को भी चोट नहीं लगी तो वो लीना पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसकी वजह से वो अपनी बिजनेस मीटिंग छोड़कर आया हुआ होता है। तभी वो घर हिलने लगता है और लाइट्स भी वर्क करना बंद कर देते हैं। जिंग खिड़की से बाहर देखता है कि एक जायंट मॉन्स्टर ने उनके घर को पूरी तरह से घेर लिया था। जल्दी घर की दीवारों में दरार पड़ने लगती है और मॉन्स्टर खिड़की के जरिए अंदर घुसने की कोशिश करता है। उसे देखकर लीना का फियोंसे डर के मारे वहां से भागने लगता है पर मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और उन्हें टेंटिकल के जरिए हवा में फेंकता हुआ लीना के फियोंसे को पकड़ लेता है।
मॉन्स्टर उसे नजदीक से सूंघता है पर फिर नीचे फेंक देता है। फिर मॉन्स्टर जिंग की फैमिली पर हमला करता है और आखिर में जेक को पकड़ लेता है। वो जेक को भी नजदीक से सूंघता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जिंग और लीना उसका पीछा करते हैं पर वो जमीन के नीचे चला जाता है और वे बस देखते ही रह जाते हैं। बाद में जिंग लीना को हौसला देने लगता है पर वो जिंग को ही इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराती है। तभी एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट के साथ उस मॉन्स्टर को ट्रैक करता हुआ वहां पर पहुंचता है। दरअसल वो प्रोफेसर उस मॉन्स्टर पर रिसर्च कर रहा था। वो उस कटे हुए टेंटिकल को स्टडी करके सभी को बताता है कि उन्होंने उस मॉन्स्टर के बच्चे को मार दिया है और वो मॉन्स्टर जेक को अपना बच्चा समझकर ले गया है। दरअसल वो मॉन्स्टर धरती के नीचे ही रहता है इसलिए उसकी सूंघने की शक्ति काफी तेज है। वही हम जेक को देखते हैं जो उसी गार्बेज डंप यार्ड में होता है। तभी वो मॉन्स्टर वहां पर आता है और उसे चाटने लगता है। वही वहां पर तेज गाने बजने लगते हैं जो उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर से बज रहे थे। वो दर्द से चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। जेक को कुछ समझ नहीं आता। वो मॉन्स्टर कचरे के ढेर के पीछे जाकर अपने अंदर की चीजें बाहर निकालने लगता है। जेक उसके पास जाता है और देखता है कि वो दर्द की वजह से तड़प रहा है। जेक उसे बोलता है कि अगर वो उसे अपने घर जाने दे तो उसकी मदद करेगा। वो एक वायर को पकड़कर अपनी पूरी ताकत से खींचने लगता है। वो मॉन्स्टर भी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है पर आखिर में जेक उस चीज को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। वो मॉन्स्टर जेक को अपने करीब लाता है मानो वो उसे थैंक यू कह रहा हो और वो फिर से नीचे लेट कर आराम करने लगता है। वही दूसरी ओर प्रोफेसर उस मॉन्स्टर के बारे में जानकर जिंग को अपने बेटे को भूल जाने के लिए कहता है पर वे किसी तरह से उसे अपनी मदद करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। प्रोफेसर उन्हें अपने लैब में ले जाता है। वहां उसने एक इंजेक्शन तैयार किया होता है जो उस मॉन्स्टर को बेहोश कर सकता था और उसके पास एक केमिकल भी होता है जिससे कि वो मारा जा सकता था। पर वे उसे यूज ना करने का डिसाइड करते है क्योंकि वो मॉन्स्टर इविल ना होके अच्छा भी हो सकता है। वही दूसरी ओर मॉन्स्टर वहां का कूड़ा कचरा खाकर अपना पेट भर रहा था। वही जेक को पीने के लिए एक बूंद भी नहीं मिलती और वो मॉन्स्टर को खाते हुए देखने लगता है। मॉन्स्टर उसे देखकर उसकी ओर कचरा ढकेलता है ताकि वो उसे खा सके। जेक उसे उठाकर उसकी ओर फेंकता है जिसे वो पकड़कर खाने लगता है। इसी तरह वे आपस में मजे कर टाइम पास करते है। वही हम कंस्ट्रक्शन वर्कर डॉन को देखते है जो अपने साथियों के साथ मिलकर अपने मरे हुए दोस्तों का बदला लेने की तैयारी कर रहा था। वही जेक को कचरे के ढेर के पीछे से आवाज सुनाई देती है तो वो वहां पर जाकर देखता है। तभी एक जिंदा बचा हुआ वर्कर उसे पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि वे उस मॉन्स्टर को मारकर वहां से भाग जाएंगे पर जेक उसे समझाता है कि वो मॉन्स्टर किसी को नहीं मारेगा इसलिए वो भी उसे ना मारे। वर्कर उसे लेकर चुपचाप बिना मॉन्स्टर के टेंटिकल पर पैर रखे वहां से निकलने लगता है पर मॉन्स्टर उन्हें किसी तरह से देख लेता है और उनके पीछे भागने लगता है। वर्कर जेक को लेकर वहां से भागने लगता है पर एक्सीडेंटली जेक एक छोटे से दलदल में गिरता है और डूबने लगता है। मॉन्स्टर को आता देख वर्कर ना चाहते हुए भी जेक को छोड़कर वहां से भागने लगता है पर आखिर में मॉन्स्टर उस वर्कर को घेर लेता है। वही एक जायंट स्पाइडर उस पर हमला करने लगता है। मॉन्स्टर उसे देखकर जोर से चिल्लाता है जिससे कि वो स्पाइडर वहां से भाग जाता है पर वर्कर भी बेहोश हो जाता है। मॉन्स्टर जेक को भी डूबने से बचा लेता है। वो उसे जगाने लगता है पर वो होश में नहीं आता जिससे कि मॉन्स्टर रोते हुए उसे होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश करता है पर कुछ फायदा नहीं होता। वही दूसरी ओर प्रोफेसर जिंग और लीना के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। लीना कार के अंदर जाकर उनका इंतजार करती है। वहां पर उसे एक पेपर मिलता है जिसमें उनकी वेडिंग रिंग होती है। उस पेपर पर जिंग की हॉस्पिटल रिपोर्ट होती है। वहां पर उसे पता चलता है कि जिंग को क्रॉनिक डिसीज है। ये जानकर वो रोने लगती है। वही जिंग वहां पर आता है तो लीना उससे पूछती है कि क्यों उसने यह बात उसे नहीं बताई। जिंग उसे बताता है कि वो किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता था और बताता है कि वो कभी भी उनके लिए एक अच्छी लाइफ अफोर्ड नहीं कर पाता इसलिए उसने उसे डिवोर्स दे दिया और वो अपना आखिरी वक्त जेक के साथ बिताना चाहता है। तभी जिंग के पापा वहां पर आते है और वे उस मॉन्स्टर की ओर बढ़ने लगते है। वे वहां पर पहुंच कर देखते है कि डॉन और उसके साथी वहां पर पहले से ही मौजूद है और उन्होंने ऑलरेडी टनल में जाने के लिए होल गिरा दिया था। वर्कर उन्हें वहां से वापस चले जाने के लिए कहते हैं।
क्योंकि वे अंदर पॉइजन छोड़ने वाले थे जिससे कि वे उस मॉन्स्टर को मार सके। जिंगू ने रोकते हुए कहता है कि इसमें अंदर बचे हुए लोग भी मारे जाएंगे, पर वर्कर्स बस अपना बदला लेने के बारे में सोच रहे थे। तभी छुप कर जिंग के डैडी उस मशीन की वायर काट देते है और वे सभी अंदर चले जाते है। वहाँ वे इतने बड़े कचरे के ढेर को देखकर काफी हैरान होते है। प्रोफेसर उस मॉन्स्टर को ट्रैक करता हुआ वहाँ तक पहुँच जाता है। वहाँ मॉन्स्टर जेक को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जिंग और लीना उसे देखकर उसकी ओर जाने लगते है, पर प्रोफेसर उन्हें रोक लेता है क्योंकि वे उसका सामना नहीं कर सकते थे। प्रोफेसर वो इंजेक्शन तैयार करके उस मॉन्स्टर पर इंजेक्ट करता है, लेकिन वो उससे टकरा कर डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब मॉन्स्टर उन्हें देख चुका था और उनकी ओर बढ़ने लगता है, पर तभी उसे एक दूसरा इंजेक्शन लग जाता है जिसे जिंग ने शूट किया था, और लीना भी उस पर केमिकल से हमला करती है। वो मॉन्स्टर उनकी ओर बढ़ने से पहले जेक को ऊपर रख देता है जहाँ पर वो सेफ रह सके और उनकी तरफ बढ़ता है। तभी इंजेक्शन अपना असर दिखाना शुरू करते है और जल्दी मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है। जिंग और लीना जेक के पास पहुँचते है जो की अभी भी बेहोश था। वही प्रोफेसर अपनी रिसर्च के लिए उस मॉन्स्टर का खून निकालने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर जाग जाता है और उन पर दहाड़ने लगता है। वो जेक की ओर मुड़ता है और उसे पकड़ने के लिए अपना टेंटिकल उसकी ओर बढ़ाता है, पर एक तीर उसे आकर लगता है जिसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने चलाया था। जल्दी सभी वर्कर्स उस मॉन्स्टर को घेर लेते है, पर वो उन्हें अपने टेंटिकल्स से मारने लगता है, लेकिन वर्कर्स भी उसे हुक के जरिए पकड़ लेते है। वही डॉन को उस प्रोफेसर के केमिकल मिलते है। प्रोफेसर उन्हें रोकने लगता है, पर वे उसे भी मारते हैं। मॉन्स्टर अपने आप को छुड़ाने लगता है, पर डॉन उसके ऊपर केमिकल फेंकता है जिससे कि उसका चेहरा जलने लगता है। वही वो उसे एरो भी मारता है। जल्दी जेक को होश आता है और वह देखता है कि वर्कर्स मॉन्स्टर को घेर कर उसे मारने वाले है। वे उस पर केमिकल से हमला करते है जिससे कि वो धीरे धीरे मरने लगता है। जेक रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर देखता है और उसे रोता देखकर वो गुस्से में वर्कर्स पर हमला कर देता है। एक वर्कर उसके ऊपर बॉम्ब से हमला करने की कोशिश करता है, पर उसे मॉन्स्टर फेंक देता है। हालांकि वो बॉम्ब जेक की ओर चला जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है, पर वो मॉन्स्टर उसे गिरने से बचा लेता है जबकि वो काफी जख्मी होता है। तभी एक कचरे का ढेर भी जेक के ऊपर गिरने लगता है, पर फिर से वो मॉन्स्टर नीचे आकर जेक की जान बचा लेता है जिसमें वो काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। सभी वर्कर उसे घेर लेते हैं। वही जेक उन्हें चिल्ला कर रुकने के लिए कहता है, पर वे बदले की आग में अंधे होकर उसके पेट में हथियारों से हमला कर देते है। मॉन्स्टर आखिरी बार जेक की ओर अपना टेंटिकल बढ़ाता है, पर तभी डॉन उसके पेट में स्पेयर मारता है जिसकी वजह से वो मारा जाता है। डॉन जैसे ही वो स्पेयर उसके पेट के अंदर से बाहर निकालता है, उसने खाया हुआ सभी कचरा बाहर निकल आता है, ना कि किसी ह्यूमन की बॉडी। तभी स्टार्टिंग में बचे हुए वर्कर वहां पर पहुंचते और उन्हें बताते हैं कि इस मॉन्स्टर ने किसी को नहीं मारा बल्कि वे जायंट स्पाइडर्स के कारण सभी लोग मारे गए थे। डॉन उस मॉन्स्टर की ओर देखता है और समझ जाता है कि वही असली मॉन्स्टर बन चुका है। बाद में हम देखते हैं कि जेक जिन से मिलने आया है। वही लीना भी जिंग को दूसरा मौका देने का डिसाइड करती है। आखिर में जिंग का इंटरव्यू लिया जाता है और वे उसे मॉन्स्टर के बारे में पूछते है, पर वो बताता है कि वो मॉन्स्टर तो बस जेक को बचा रहा था। वो बताता है कि ह्यूमंस हर साल कई अरब टन तक का कचरा फेंक देता है और वो कितने ही मासूम जानवर को मारता है और ना जाने कितने ही पेड़ काटे जाते हैं। आखिर में वो पूछता है कि असली मॉन्स्टर कौन है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।